तो नारुतो को नामिकाजे के नाम से क्यों नहीं जाना जाता, जबकि शिनोबी की दुनिया में फादर की लेगेसी कैरी की जाती है? तो भाई इसका एक सिंपल आंसर है, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, वो ये कि थर्ड ग्रेट निंजा वार में मिनाटो नामिकाजे ने बहुत सारे शिनोबीज को मौत के घाट उतारा था, और जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो उसके बाद उसके दुश्मनों की कमी नहीं थी जो उसके खून के प्यासे थे। लेकिन जब नाइन टेल फॉक्स कनोहा के ऊपर हमला करती है तो उस टाइम पे मिनाटो नामिकाजे अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं अपने विलेज को बचाने के लिए, और उसके बाद नारुतो की सारी जिम्मेदारी आ जाती है थर्ड हुकागे के ऊपर। तो उसके पापा के दुश्मनों से उसकी जान बचाने के लिए थर्ड हुकागे उसे नामिकाजे की जगह उसकी मम्मी का सरनेम देते हैं, उजुमा की। जैसा कि मैंने पहले बताया, शिनोबी की दुनिया में फादर की लेगेसी कैरी की जाती है, जहां पर ह्यूगाज को ब्याकुगान मिली, उचिहाज को शारिनगान मिली, और उजुमा की क्लैन के लोगों को मिला लॉर्ड्स ऑफ चक्रा रिजर्व। तो हमारे नारुतो भाई को क्या मिला? नारुतो को अपनी माँ के क्लैन उजुमा की से मिला लॉर्ड्स ऑफ चक्रा रिजर्व की पावर, लेकिन उसे अपने पापा से क्या मिला? उसे अपने पापा से भाई कुछ भी नहीं मिला। और इसकी सिंपल सी दो एक्सप्लेनेशन है कि जो नामिकाजे क्लैन था उसके पास कोई ब्लड हेरिटेज वाली पावर थी ही नहीं जो आगे फॉरवर्ड की जा सके। और दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई नामिकाजे कोई क्लैन था ही नहीं, हो सकता है कि वो एक टाइटल हो जो मिनाटो ने हासिल किया हो, क्योंकि इसके बारे में हमें अब तक की कोई ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। लेकिन इस चीज से एक चीज जरूर साबित होती है कि ब्लड लाइन की पावर होना जरूरी नहीं है, आप बिना किसी ब्लड लाइन की पावर के भी उतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो जहां पर शिनोबी की दुनिया आपका नाम याद रखे। आप शिनोबी की दुनिया में एक ऐसा डेंट देख सकते हो जिसकी वजह से आपको आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी। उदाहरण के तौर पर आप काकाशी को ले सकते हो, गाय को ले सकते हो, और मिनाटो नामिकाजे तो अपने आप में एक लेजेंड है। गाय सेंसे जो कि निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज नहीं करता, उसके बावजूद भी सिर्फ उसने विल पावर और अपनी डेडिकेशन के दम पर एक ऐसा मकाम हासिल किया कि जिसने भाई मद्रा तक को हिला के रख दिया। और काकाशी के बारे में तो सब जानते हैं, माना कि उसे बाद में शारिनगान मिली थी, लेकिन शारिनगान मिलने से पहले भी वो अपने एज ग्रुप में सबसे टॉप लेवल पे था। और जैसे कि काकाशी के जो फादर थे व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ, उनके पास भी कोई स्पेशल पावर नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उनका नाम लिया जाता है तो उसे देख के लगता है कि भाई वो भी एक जबरदस्त शिनोबी था। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, आपके कोई व्यूज हो इस वीडियो के ऊपर तो वो भी कमेंट कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट में कोई टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं जिसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।